कितना अच्छा यार, यहाँ बड़ी शांति है, कितना सुकून, कितना अमन है। कसम से देखो, गाड़ी भी रुका के ना इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे जन्नत ही है। कसम से यहाँ रुक जाओ यार थोड़ी देर ना। वाओ कितना अच्छा झरना, वो जूम करके दिखाइयो। हाँ लो लो लो, फोन पकड़ो, कैमरा ऑन है। दोस्तों वैसे आप जो अभी समय मेरे पीछे देख रहे हो, ये जगह है श्रीकोट, जो कि श्रीनगर से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे होगी मेरे अंदाज में। तो अभी आप जो पीछे देख रहे हो मेरे, वो वहाँ पर वो भी एक घाट है, और जहाँ पर हम जहाँ पर हम ईद के व्लॉग में घूमने गए थे वो भी घाट है, लेकिन वो है उस साइड श्रीनगर, और ये इधर का है, श्रीनगर से थोड़ा आगे आ गया ये वाला घाट। ये भी मुझे यहाँ पर वैसे कम भीड़ लग रही है, वैसे तो उधर वाले में ही ज़्यादा भीड़ रहती है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये वाला घाट। ये देखो दोस्तों, ये देखो अभी हाँ फोकस हो गया है, हो जा भाई फोकस। ये देखो कितना प्यारा है यहाँ पे नज़ारा, और सबसे दिलकश मंजर है ये डूबता हुआ सूरज। देखो दोस्तों, ये बच्चे जहाँ पर भी आते हैं ना, इनका बस यही काम रहता है। मैंने आपको एक व्लॉग में भी दिखाया था कि जहाँ भी इन्हें पानी दिखता है ना, बस छोटे छोटे कंकर उठाते हैं और पानी में फेंकना शुरू कर देते हैं। जबकि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, पानी यहाँ से देखो कितनी दूर है। और ये सोच रहे हैं कि यहाँ नीचे पानी है, देखो ये फेंका इसने वो पत्थर, वो गया पत्थर। वैसे तो यहाँ पर नीचे कोई नहीं रहता, सब जगह वो है, मतलब गंगा की जगह है ये, यहाँ पर कोई नहीं रहता, घर वर बहुत दूर है यहाँ से पत्थर फेंकने में, मतलब छोटे मोटे वो कंकर फेंकने में कोई वो नहीं है। तो हमें यहाँ बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। उधर देखो आप पहाड़ के पीछे सूरज भी छिप चुका है, वो काफ़ी नीचे जा चुका है, और मतलब थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी होने लगेगा। हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ घूमते घूमते, और ये भी काफ़ी खेल लिए, इन्होंने धूल मिट्टी में कर लिए अपने कपड़े, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है साजिया चलती है, ठीक है साजिया चलो ठीक है चलो, गाड़ी तुम चलाओ अब ना, मैं पीछे बैठूंगा बच्चों को लेकर। चला लोगी? अजी हाँ चला लोगे, चलो हेलीमेट हेलीमेट हलीम चावल पहन के नहीं हाँ। अगर मेरे पीछे बैठने हैं तो गाड़ी पे, क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर नहीं हूँ ना। चलो फिर चलो चलो भाई बच्चों ले गाड़ी सारे तुमने जो है ना, चलो भाई बच्चों चलते हैं अब यहाँ से। चलो बाबू भागना लो जगह तो ठीक है, तुमने जगह की तारीफ की सब कुछ ना, लेकिन आज तुमने मेरी तारीफ नहीं की, मैंने न्यू ड्रेस पहनी, तुमने ये भी नहीं बताया मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये इस जगह का तीसरा पुल है श्रीनगर से चौरास के रास्ते में। पहले हमारे श्रीनगर में पड़ता है एक पुल, उसे क्रॉस किया, फिर एक रास्ते में पड़ा, और एक अभी ये है श्रीकोट वाला पुल। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, देखो वहाँ पर जो है रील्स बन रही है, ठीक है। तो आप भी एक काम कर सकते हो, अगर आपको छपरी रील्स बनानी है या टिकटॉक की रील्स बनानी है तो यहाँ पर आके छपरी बन सकते हो, तो अगर व्लॉग बनाना है तो वो भी यहाँ पर आके कर सकते हो। वैसे दोस्तों बुरा मत मानना, वो नाम चला हुआ है छपरी, तो इसलिए मैंने भी कह दिया। वैसे छपरी रील्स का काम तो कभी कभी मैं भी कर देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो इंस्टाग्राम में देख सकते हो जाके कि मैं कितना बड़ा छपरी हूँ। एनु बोलो छपरी टिकटॉकर।